हेलो इंजीनियर दी सुबर संधि। तो आज आपके लिए है ये जो आप मैसेज रीडर एक मोबाइल है, आप इसको मोबाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि इस पर मैसेज रीड कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई मैसेज भेजेगा तो इस पर सिर्फ रीड होगा, मतलब हम लोग इस पर पढ़ सकते हैं कोई कौन सा मैसेज भेजा है वो हम लोग इस पर रीड करेंगे। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही ईजी से मैंने बनाया है क्योंकि इस पर कोई सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है। आप आर्डिनो बोर्ड के अंदर आर्डिनो यूनो जो है उनके अंदर डिस्प्ले को डायरेक्ट फिट करेंगे। फिट करने के बाद एक जो कि सिम डिवाइस है उसी सिम डिवाइस से हम लोग लगा के सिम को लगाएंगे। जो सिम इस पे लगेगा उसी सिम के नंबर पे हम लोग मैसेज भेजेंगे और ये रीड करेगा। तो ये जो गैजेट है ये हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस सिम टूल के बारे में जानना होगा। इस पर ज्यादा कुछ पिन हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ पिन को हम लोग यूज करेंगे। तो ये सिम टूल आप देख सकते हैं, इसका मॉडल सिम 800L। तो इसका IMEI नंबर भी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो IMEI नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर जो पिन है, पिन का डायग्राम मैं बोल देता हूँ क्या है। यहाँ पे जो पिन आप देख रहे हैं ये है रिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग बाजर को लगाएंगे। जब भी मैसेज आएगा तो बाजर सिग्नल दे देगा, ठीक है। और बाकी सारे माइक्रोफोन वगैरह है तो इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि फोन के जब भी फोन बनाएंगे हम लोग इसको यूज करना पड़ेगा। सिर्फ इस पर जो रिंग है, रिंग को हम लोग यूज करेंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पिन है इसको हम लोग एंटेना पे यूज करेंगे। उसके बाद BCC यानी कि 5 वोल्ट देंगे इसमें। उसके बाद जो है वो रीसेट है, इसका कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद होगा जो कि RX, उसके बाद TX, उसके बाद होगा ग्राउंड। तो यही पिन हम लोग यूज करेंगे। और सिम लगाने के लिए कोई भी 2G सिम आपको इस पर लगाना होगा, अगर 4G लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो 2G सिम को हम लोग यहाँ पे इस तरह फिट कर देंगे। तो ये फिट हो गया है, अभी हम लोग इसके जरिए हम लोग सर्किट को बनाएंगे। तो चलिए अभी पहले हम लोग सर्किट को बनाते हैं। कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैंने एक कवर लगाया है ताकि इसको अच्छा दिखे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या क्या फिट किया है, एक आर्डिनो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैंने एक डिस्प्ले को फिट किया, आपने देखा है। और एक सिम का कनेक्शन के लिए एक सिम टूल लगाया है जो कि सिम का नंबर है
जो कि सिम 800L का एक सिम लगा है, जिस पर सिम लगेगा और एक बैटरी हमने इस पे फिट किया है। तो इस पर जब भी पावर आएगा तो उसी सिम के, जिस सिम को हम लोग इस पर लगाएंगे उसी सिम पे मैसेज करने पर ये मैसेज रीड करेगा, और प्रोग्रामिंग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी ये बॉक्स देख रहे हैं, ये एक मैसेज मतलब रीडर है। आप इस पे से मैसेज भेज नहीं सकते, लेकिन कोई भी अगर मैसेज सेंड करेगा तो इस पर आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ, तो अभी ऑन हो गया है। तो अभी इस पर डिस्प्ले जो आ गया है, इसी डिस्प्ले के ऊपर हम लोग मैसेज को जो कि बिठाएंगे। तो कोई भी मोबाइल से हम लोग भेज सकते हैं, एंड्रॉयड से भेज सकते हैं या फिर कीपैड मोबाइल से भी भेज सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक बाज़र लगाया है, जब भी मैसेज आएगा तो बाज़र सिग्नल दे देगा। तो अभी मैं इस मोबाइल से मैसेज सेंड करूँगा, तो इस बार जो सिम मैंने लगाया है उसी सिम पर मैसेज करना होगा। तो अभी देखिए मैं एक लिख रहा हूँ इस पर, तो ये इसमें आ जाएगा। तो अभी मैं इस पर लिख रहा हूँ, देखिए, तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो जब भी मैसेज सेंड करूँगा तो ये मैसेज अभी सेंड हो गया है। तो अभी देखिए इस पर आ गया है, तो मैसेज सेंड होने के बाद इस पर आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैंने लिख दिया है। अभी दूसरा मैसेज मैं लिख रहा हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स मेक इट। तो लेट्स मेक इट मैं इस पर सेंड कर रहा हूँ, तो सेंड हो गया है। देखिए लेट्स मेक इट यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से आप कोई भी मैसेज इस पे भेज सकते हैं और ये रिसीव करेगा। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप मेरे वीडियो को देख के आसानी से बना सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक जो कि SMS रीडर मशीन हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।